नमस्कार, मैं मोनी शर्मा, मतलब बेमतलब की बातों में आप सभी दर्शकों का स्वागत। गप्पें सुनने के लिए आपके खड़े कान और हमारी कवर खुद खबर की आदत ले आई है हमें पागलपुर गांव के पंचायती चुनाव। चमन चौलैया जी हमारे साथ है। चमन चौलैया जी हमें बताएंगे कि कैसे हालात यहां पर चुनाव के बने हुए है। हालात के ना ही पूछो, बढ़िया है भैया। कभी कभी तो समझ नहीं आता ये चुनाव चल रहे हैं या वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध जैसे हालात पागलपुर गांव में बने हुए है। निमकी जी आपसे जानना चाहेंगे हम, कितने वोटर यहां पे है और कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जी निमकी, जहां तक वोटर की संख्या का बात है भाई साहब, तो इससे ज्यादा तो बस वाला सवारी ले जाता है। और प्रत्याशी जिधर नजर दौड़ाओ, बरसाती कुकुर मुत्ते की तरह हर तरफ है। हर तरफ चुनाव लड़ने का तो पता नहीं, बस लड़ रहे हैं आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह। चमन जी, क्या क्या वायदे इस चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए गए? वायदे कद्दू वायदे भाई साहब, इस गांव में चुनाव लड़ने का आधार जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद ही रहा है। जो प्रत्याशी उठे हैं वोट मांगने आते हैं, पूछ लो भैया जीत के क्या करोगे, तो नील बटे सन्नाटा इनका जवाब। मालूम है क्यों? अरे इनके पास कोई विजन नहीं है। जी, इतने सालों में गांव के विकास की प्रगति क्या रही, बताएंगे आप? प्रगति का कुछ पता नहीं भैया। हाँ, दुर्गति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। विकास पागल हो सकता है, पर पागल का विकास नहीं हो सकता। ये पागलपुर गांव है भाई साहब, यहाँ निर्वाचित उम्मीदवार गांव का नहीं अपना विकास करते हैं। पागलपुर गांव की स्थिति यह है कि डाल डाल वोटर है तो पात पात, पर मुद्दे गायब है। मुद्दा है तो घिनौनी राजनीति का। पंचायती चुनाव ने महाभारत का रूप धारण कर लिया। चुनावी खबरों को जानने के लिए बने रहे सड़ने तक। मैं मौनी शर्मा इजाजत लेता हूं कैमरामैन शूरदास के साथ कवर खोद खबर से।